हेलो गाइस, वेलकम टू माय थर्ड एंड्रॉयड ऐप ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल को मैं हिंदी में करने वाला हूँ। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि बेसिक लेआउट हम किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं एक एंड्रॉयड ऐप का। इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में मैंने आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई थी इन फोल्डर्स के बारे में, जो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं, जिसमें कि मैनिफेस्ट फोल्डर है, जो कि बेसिकली ग्लोबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें आप अपनी परमिशंस बताते हैं, आप बताते हैं कि आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यूज़ होने वाली हैं। उसके नीचे जावा फोल्डर है, जिसके अंदर आपकी जावा की क्लास होती है, जिसपे आप बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं किसी भी टेक्स्ट व्यू बटन्स एक्सेट्रा पे। उसके नीचे एक आरईएस फोल्डर है, जिसके अंदर ड्रॉएबल फोल्डर है, जिस ड्रॉएबल फोल्डर के आप अपने इमेजेस रखेंगे, जिसको आप यूज़ करेंगे अपने एप्लीकेशन में। उसके नीचे एक लेआउट फोल्डर है, जिसके अंदर आप अपने लेआउट्स डिज़ाइन करेंगे। उसके नीचे एक मिप मैप फोल्डर है, जिसके अंदर आपका लॉन्चर आइकन होगा। और एक वैल्यूज़ फोल्डर है, जिसके अंदर आपकी कुछ वैल्यूज़ होंगी, जैसे कि स्ट्रिंग्स कौन कौन सी यूज़ करने वाले हैं आप, कौन कौन से कलर्स यूज़ करने वाले हैं, उनका हेक्स कोड डालेंगे हम उसमें, और कुछ डायमेंशन और स्टाइल्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारी पहली एक्टिविटी का लेआउट है, एक्टिविटी अंडरस्कोर फर्स्ट। इसके अंदर हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से डिज़ाइन पर क्लिक करूँगा, और ये चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड पर आप जो लेआउट्स के नीचे देख सकते हैं, चीज़ें जिसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं एक लेआउट को बनाने के लिए। सबसे पहले इसमें आता है कि आप कौन सा लेआउट यूज़ करना चाहते हैं, यानी फ्रेम लेआउट, लीनियर लेआउट, लीनियर लेआउट, वर्टिकल टेबल लेआउट, ग्रिड लेआउट या रिलेटिव लेआउट। तो मैं इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। उसके अलावा आप क्या यूज़ कर सकते हैं वो है टेक्स्ट व्यूज, कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हैं, इमेज व्यू कौन सा यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्विच है, टॉगल बटन है, प्रोग्रेस बार्स हैं, और एडिट टेक्स्ट वगैरह भी हैं। तो मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लीनियर लेआउट से। तो दोस्तों, यहाँ पर एक प्रीव्यू का राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं टैब, जिसको आप अगर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर डिज़ाइन करने के साथ साथ यहाँ पर प्रीव्यूज़ भी देख सकते हैं। और इसके ऊपर एक नेक्सस डिवाइस सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन है, जहाँ से आप कोई जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो आपको डिवाइसेस दे रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, इनमें से एक डिवाइस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने इसमें से नेक्सस 5 सिलेक्ट किया हुआ है, जो कि आपको बेसिकली ये बताता है कि नेक्सस 5 डिवाइस पे आपका एप्लीकेशन कैसे दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ शुरुआत करते हैं। तो इस रिलेटिव लेआउट को सबसे पहले मैं चेंज करके लीनियर लेआउट कर रहा हूँ, और मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ से हटा रहा हूँ जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अभी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ज़रूरी हैं किसी भी लेआउट के लिए, वो है उनकी विड्थ और हाइट। तो सबसे पहले विड्थ क्या है, विड्थ ये है जो स्पेस, जो आपकी एप्लीकेशन की जो स्क्रीन है उसकी विड्थ कितनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले या तो आप कोई भी विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं पिक्सल्स या डीपी में। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि हम किसी भी चीज़ के लिए हम डीपी यूज़ करने वाले हैं, जो कि होता है डेंसिटी पिक्सल्स, ना कि हम पिक्सल्स यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि हम डेंसिटी पिक्सल्स इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि वो आपके हर डिवाइस साइज़ के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले विड्थ जो देने वाला हूँ वो इसकी देने वाला हूँ मैच पेरेंट। मैच पेरेंट का मतलब ये है कि ये फुल विड्थ घेरेगा। उसके नीचे इसकी हाइट है, जिसको अगर मैं मैच पेरेंट दे दूँगा तो उसका मतलब भी यही होगा कि ये इसकी फुल हाइट ले लेगा। और दूसरी ऑप्शन जो है वो है इसका रैप कंटेंट। रैप कंटेंट का मतलब ये होता है कि जितनी चीज़ें आप इसके नीचे लगाएंगे उतना ही ये कंटेंट, उतना ही ये स्पेस घेरेगा। तो सबसे पहले मैंने इसको रैप कंटेंट दिया है, और इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू है जिसके अंदर लिखा है हेलो वर्ल्ड। तो हम इस टेक्स्ट व्यूज को थोड़ा सा चेंज करेंगे और इसको कुछ और नाम देने की कोशिश करेंगे, और इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ वेलकम टू आवर फर्स्ट ऐप। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस चीज़ को चला के देखेंगे कि हमारे डिवाइस में कैसा चलता है। तो दो ऑप्शन है आपके पास चलाने के लिए, इसे रन करने के लिए। या तो आपके पास अगर कोई एंड्रॉयड डिवाइस है तो आप उसमें रन कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ से एक एम्यूलेटर क्रिएट कर सकते हैं। एम्यूलेटर क्रिएट करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ आपको यूज़ करनी पड़ेगी वो यहाँ से एक एम्यूलेटर क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं AVD मैनेजर नाम की चीज़ है, यानी AVD का मतलब है एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। वर्चुअल डिवाइस वो डिवाइस है जो आपका डिवाइस ना होके एक एम्यूलेटर है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ डिवाइसेस पहले से जनरेट करे हुए हैं। तो आप यहाँ पे अपना डिवाइस बना सकते हैं अगर आपके पास कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो एक नीचे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे बॉटम में, तो एक क्रिएट वर्चुअल डिवाइस का ऑप्शन है, यहाँ आप क्लिक करेंगे।
या आप इन डिवाइसेस में से कोई भी एक डिवाइस सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका आप वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे नेक्सस 5X के नीचे नेक्सस 5 है इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं नेक्स्ट बटन प्रेस करूँगा। इसके नीचे आप बता सकते हैं कि आप इसके अंदर कौन सा सिस्टम इमेज यूज़ करना चाहते हैं, यानी कौन सा एंड्रॉयड वर्जन आप शो करना चाहते हैं। तो आप इसमें से कोई भी वर्जन शो करना कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको इनमें से एक वर्जन डाउनलोड करना होगा। तो मैंने इसमें मार्शमेलो डाउनलोड किया हुआ है तो मैं उसको सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ मैं नेक्स्ट प्रेस करूँगा। यहाँ पे कुछ आप उसके डायमेंशंस वगैरह स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसकी स्केलिंग, ओरिएंटेशन, ग्राफिक्स। तो यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करूँगा और यहाँ से मैं इसको फिनिश कर दूँगा। तो इस तरीके से आप अपना एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर सकते हैं और आप रन करते वक्त अपनी एप्लीकेशन को इस डिवाइस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि हम कोई एंड्रॉयड डिवाइस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका यूज़ करें। तो मैं बताना चाहूँगा कि एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ करने के लिए जो बेसिक चीज़ है वो क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपका एंड्रॉयड डिवाइस कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। मैं रेडमी नोट 3 यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसके सेटिंग्स में जाना होगा और यहाँ से आप अबाउट फ़ोन वाले ऑप्शन में जाएंगे जहाँ पर आपको बिल्ड नंबर या MIUI वर्जन जो भी दिख रहा है उस पर आपको तीन से चार बार क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको यह शो होगा कि यू आर और डेवलपर। हालांकि मैं पहले से एक डेवलपर हूँ तो मुझे ऑप्शन इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मुझे यहाँ से डेवलपर ऑप्शन में जाना होगा जो कि मुझे एडिशनल सेटिंग्स में मिलेगा। यहाँ मैं डेवलपर ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मुझे USB डिबगिंग ऑन करना होगा जो कि अभी ऑफ है। अब मैं इसको ऑन करने वाला हूँ और इस तरीके से मैं इसे ऑन कर दूंगा। तो इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद नॉर्मली आपको एक वायर अटैच करनी है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से इस मोबाइल डिवाइस में। तो दोस्तों अब मैं इस एप्लीकेशन को रन करने वाला हूँ। रन करने के लिए आपको ऊपर ये जो ग्रीन कलर का बटन है उसे प्रेस करना होगा। तो जब उसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके सारे डिवाइसेस शो होंगे। तो यहाँ से आपको एक डिवाइस सिलेक्ट करना है। ऊपर एक कनेक्टेड डिवाइस में आपका वो डिवाइस आएगा जिस डिवाइस को आपने अपने लैपटॉप से अटैच कर रखा है, अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन है तो, या नीचे से आप किसी एक डिवाइस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस पहले डिवाइस को सिलेक्ट करने वाला हूँ और इसके बाद मैं ओके प्रेस करूँगा। तो यहाँ से मेरा एमुलेटर स्टार्ट होने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा एमुलेटर स्टार्ट हो चुका है, ताकि पीछे बैकग्राउंड में बिल्ड की प्रोसेस जो कि मेरी एप्लीकेशन को बिल्ड कर रही है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा हो सकता है कि इंतज़ार करिएगा, क्योंकि गूगल थोड़ा सा समय लेता है इन सब चीज़ों को करने में। तो ज़्यादा देर आपको नहीं लगेगी, हालांकि मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरी एप्लीकेशन कितनी देर में यहाँ पर रन होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि APK जो है वो इंस्टॉल हो रही है, वो लॉन्च करने वाली है मेरी एक्टिविटी को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्टिविटी दोस्तों, तो अब ये एप्लीकेशन रन हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि इस तरीके का लेआउट हमें नज़र आ रहा है। तो इस ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। आगे हम इसमें आगे प्रोसीड करेंगे और डिफरेंट लेआउट्स के बारे में सीखेंगे। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, और अगर आपको हिंदी में ट्यूटोरियल ज़्यादा अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इंग्लिश ज़्यादा अच्छी लग रही है या इंग्लिश में या हिंदी में ट्यूटोरियल ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसके साथ मैं आपको इस ट्यूटोरियल के लिए अलविदा कहना चाहूँगा। और अगर आपको ये ट्यूटोरियल्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए, इस ट्यूटोरियल को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।